I've fallen in love with I Love. Él bole, wow. भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने कानून। कानून सबूत का सहारा लेकर इंसाफ करता है और सबूत है इंसान के हाथ। इंसान झूठा तो इंसाफ झूठा, इंसान सच्चा तो इंसाफ सच्चा। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब जो आप मुझसे मिलने आए। बोलो क्या बात है। सिर्फ आपकी गवाही मुझे सजा दिला सकती है, बाकी की कहानी मैंने बदल दी है। मैं समझा नहीं। वो लड़की मेरा पर्स चुरा कर भागी, मैंने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया, हाथ छुड़ा कर वो फिर भागी। सामने से एक टैक्सी आई, वो टकरा गई। टैक्सी ड्राइवर मेरा दोस्त इस कहानी को सच बनाने की गवाही देने के लिए तैयार है। पुलिस को मैं संभाल लूंगा, और वो बेचारी लड़की, वो तो बोलने के काबिल ही नहीं है। बस सिर्फ आप हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर गीता की कसम खाकर मैं झूठ बोलूं? हर्जी क्या है वकील साहब, आपके सच बोलने से मेरे जिंदगी के कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे, और फिर असली सच तो आप भी नहीं जानते। उस लड़की के किस्मत में जो कुछ लिखा था बस वही हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि तुम एक इंसान को इंसान नहीं सोचते। मैं भी तो एक इंसान हूं वकील साहब। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक दरिंदे जानवर हो, समाज के लिए बीमारी हो। सोच लो वकील साहब, कहीं ये बीमारी समाज की बजाय आपको न लग जाए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये नहीं, पटाने की कोशिश कर रहा हूं। माना कि तुम बहुत बहादुर हो, डरोगे नहीं, रकम कितनी लोगे? ये अदालत रघुवीर सिंह वल्द परमवीर सिंह को कुमारी रानी वर्मा वल्द राज वर्मा के साथ बलात्कार करने और पुलिस पर हमला करने के जुर्म में जेर दफा 332, 354, 363 और 366 ताजिरात हिंद के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। जानते हो आज क्या तारीख है? घर में अखबार आता है, कैलेंडर्स भी बहुत हैं, मैं केस में बहुत बिजी हूँ। मम्मी और डैडी, शादी की सालगिरह मुबारक हो।
शाम को पापा मम्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? और हाँ, कोई तोहफा दिया मम्मी को? या अभी तक वो शादी की पहली सालगिरह पर जो अंगूठी दी थी उसी से काम चला रहे हो? हिनानाथ, देर हो रही है, जरा जल्दी नाश्ता लगाओ। अरे वाह, इतनी सज संवर कर कहाँ जा रही हो आज? हाँ, सजने संवरने के लिए क्या कहीं जाना जरूरी होता है? देखो, सवाल के ऊपर सवाल सुनकर हम वकील लोग अक्सर गवाह को भी डांट दिया करते हैं, समझी? लाओ लाओ, चलो। ना ये आपकी अदालत है और ना मैं आपके किसी केस की कोई गवाह हूँ, और जो हूँ उसका एहसास आपको आजकल जरा कम है। शाम को जल्दी आ रहे हो ना? क्यों, ये क्या सवाल पे सवाल नहीं हुआ? हाँ, सवाल पर सवाल तो है, लेकिन डार्लिंग तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो हुक्म चलाने का हक है, तो फिर पूछती क्यों? ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा, कोशिश करूंगा। कहते हैं राजा दुष्यंत अपनी शकुंतला को प्यार की निशानी देकर भूल गए थे, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। ये अंगूठी हमारे प्यार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगी। प्यार की निशानी। आपके बेटे प्रेमो को इनके फैक्ट्री के मालिक ने भाड़े के गुंडों से पिटवाया था। हाँ जी। और फिर डॉक्टर कमल के नर्सिंग होम में ले जाकर इनका इलाज करवाया था, लेकिन रजिस्टर में इनका नाम नहीं था ताकि इन्हें फैक्ट्री में आग लगाने के जुर्म में फंसाया जा सके। यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है वकील साहब। ये कमाता है तो दो रोटी खाने मिल जाती है। मैं सजा से बहुत डरता हूँ वकील साहब, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। अरे हटो रास्ते से, मैं बेकसूर हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम आओ लालचंद, बैठो। जब मैंने आपसे टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट ली थी तब आपने ये नहीं कहा था कि ये मोहतरमा भी यहाँ रहेंगी। देखो लालचंद, जस्ट अ मिनट, अगर तुम्हारे बजाय तुम्हारा वकील आता तो मैं उससे अकेले में बात करता, लेकिन क्योंकि चंपा ने तुम्हारे खिलाफ ये केस किया है तो इस सिलसिले में मैं तुमसे अकेले में बात नहीं कर सकता। ये हमारे पेशे का उसूल है। देखो मिस्टर गौतम, मेरा माना कि मैं इस औरत के बच्चे का बाप हूं, लेकिन आप साबित कर सकेंगे? तुम्हें शक है कि मैं साबित कर दूंगा, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए हो। काम की बात करो। मैं काम के लिए नहीं, इसके लिए आया हूं। लालचंद, कानून के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो तुम खुद नहीं जानते। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम यहां से चले जाओ। हाँ भाई, इसके वकील हो ना, मेरे भले की कैसे सोच सकते हो? मैं सोच नहीं रहा हूं, कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। चला जाऊं? हाँ चले जाओ। सुनो, ये रुपए लेते जाओ, जब केस हार जाओगे तो बच्चे की परवरिश के लिए काम आएंगे। कोर्ट में समझ लूंगा। मिस्टर मेहरा, माना कि हर केस आप बड़ी आसानी के साथ जीत जाते हैं, मगर मिस्टर लालचंद के केस का असली गांव ऊपर वाला है, और वही आपको ये केस जितवा सकता। एनीवे, मैं द बेस्ट लॉयर विन, ओके? राजेश जी, शहद की बोतल लाए हो? हाँ जी लाया। तो मिस्टर अमर सिंह, मिस्टर अमर सिंह। हाँ जी, हाँ जी साहब। ढंग से खड़े हो यार। आप इस औरत को जानते हैं? तीन साल पहले की बात है वकील साहब। अच्छा। हाँ, हम झूठ मूठ बहाने बनाकर हमारी बीवी सेवा अच्छा सवरा से मुंबई में आया करता था, सिर्फ इस औरत के साथ लीला लहर करने के लिए। ये लीला लहर? रात बिताने के लिए। अच्छा। हाँ, क्यों, कैसी है भाई जी? मिस्टर अमर सिंह, ढंग से खड़े रहिए। आप इस औरत के साथ रात कैसे गुजारते थे? मेरा मतलब है कि रुपया पैसा देकर या दोस्ती के नाते? बापू की सौगंध वकील साहब। बापू? हाँ, बापू की सौगंध, मतलब वो बापू नहीं है तो मेरे बापू की आदत है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी।
बापू की स्वागत वकील साहब। भाई बंदी तो इस दुनिया में सिर्फ नाम की खातिर है। अच्छा। हाँ, बाकी तो हर चीज में फदिया की जरूरत पड़ती है। ये फदिया? फदिया मतलब पैसा, पैसा। अच्छा, पैसा। हाँ, आप भी तो अपने घर से पैसा लेकर ये मुझसे सवाल पूछते है न। ऑर्डर, ऑर्डर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, आप इस औरत को जानते? विद्वान वकील साहब, पकड़ूलाल मिश्रा के साथ जो नारी एक दफे सत्संग कर ले उसको हम अच्छी तरह पहचाने तक कहो तो के बदन पर का निशानी है बताई का। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। चंपा भाई, तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हारा बच्चा मेरे मुवक्किल मिस्टर लालचंद जी का है? जी हाँ। चंपा भाई, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जी नहीं। That's it, Your Honor! ये बात साबित करने के लिए कि ये औरत धंधा करने वाली एक पेशावर तवायफ है, मैं और भी बहुत से गवाह पेश कर सकता हूँ, मगर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ योर ऑनर, कि मेरा मुवक्किल मिस्टर लालचंद एक बाउसूल, एक इज्जतदार और एक रईस शहरी, और उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस औरत ने सफेद झूठ बोलकर उसे अपने बच्चे का बाप साबित करने की कोशिश की। लेकिन योर ऑनर, किसी बात को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस, और मिस चंपा बाई के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि मेरा मुवक्किल मिस्टर लालचंद उस बच्चे का बाप है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लालचंद जी, ये समाज सेवा और समाज सुधार आपका पेशा है या शौक? दोनों ही। क्या ये सच है कि आज से 3 साल पहले आपने इस औरत से जिस्म बेचने का धंधा छुड़वाया था? जी हाँ। ये नेक काम आपने कैसे किया? जी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि घर पर बैठकर तपस्या करने से तो ये काम नहीं हुआ होगा, आप मिले होंगे, कुछ वक्त गुजारा होगा। जी हाँ, 3 महीने लगातार मैं रात दिन इस औरत के साथ रहता था। दिन रात? मेरा मतलब है सुबह से शाम तक। अच्छा अच्छा। वैसे आप उनके साथ जहाँ वक्त गुजारते थे, कौन सी जगह थी? मेरा मतलब है कोई खुली जगह थी या मकान? ये कमरे में। कमरे में? हाँ। तो कमरे में कौन कौन होता था? हम दोनों होते थे और कौन होता? सिर्फ आप दोनों? जी। और फिर आप रातें कहाँ गुजारते थे? रातें मैं अपने घर में गुजारता था। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। ओ, तो आप शादीशुदा भी हैं? जी हाँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। क्या सबूत है कि बच्चे आपके हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट सर। आपने मेरे क्लाइंट से पूछा था कि क्या सबूत है उसके पास वो बच्चा लालचंद का है। मैं लालचंद से पूछता हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो 2 बच्चे तुम्हारे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो लालचंद। बड़ा वाहियात सवाल है। सबूत यही है कि मेरी बीवी कहती है कि बच्चे मेरे। ये तो चंपा भी कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है। चंपा झूठ बोलती है। तुम्हारी बीवी सच बोलती है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? योर ऑनर, दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। ये इंसान चंपा के बच्चे का बाप है, ये चंपा जानती है, मैं महसूस नहीं। नहीं योर ऑनर, मैं जानता हूं, इसका सबूत है मेरे पास, मैं सच्चाई को साबित कर सकता हूं। चंपा, बच्चे को लेकर आओ। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग लालचंद जी को जरा गौर से देखिएगा। अब योर ऑनर, अब इस बच्चे के होठों को, उसकी जबान को देखिए। योर ऑनर प्लीज। मानता हूं योर ऑनर, बच्चा मेरा है।